Yes, we are live now. Hello, friends. दिस इज ए एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे ई वी एस पैटेगॉजी का लास्ट सेशन होगा ये सी टेट दो हजार बीस के लिए इसके बाद ई वी एस की पैटागॉजी खत्म हो चुकी होगी और आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे छोटा सा सेशन होगा डिस्कशन करेंगे पहले आप लोग सभी आ जाइए और आई नो आई एम लेट बट वन मिलियन होने वाले हैं हम लोग दस लाख होने वाले हैं जुड़ करके जल्दी ही तो कुछ प्लानिंग तो बनती है ऐसे सूखा सूखा दस लाख थोड़े ना होंगे है ना कुछ तो होना चाहिए तो जो कोशिश बहुत पहले की थी वो फेल हो गई थी ऐप की तो अभी ऐप पर काम चल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है एक एनर्जी लगती है और आप लोगों का जो डाउट का बड़ा एक इशू रहता है तो आई एम ट्राइंग के देखो क्या होता है ऐप से कुछ बदलाव आ सकता है तो ट्राई करते हैं कोशिश करते हैं आप लोग काफ़ी चीज़ें एक तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी जितने भी नोट्स हैं पी हैं इधर उधर फैल चुके हैं कोई टेलीग्राम पर हैं कुछ दिया कुछ छूट गया वो सब एक जगह हो जाएगा फिर मॉक टेस्ट देने का मौका आपको मिल पाएगा वो एक मतलब खेल सकते हो कितने भी प्रीवियस ईयर वगैरह वहाँ मिल जाए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव सेशन वगैरह मतलब प्लानिंग चल रही है अभी देखो कहाँ तक होता है तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा ऊपर से तबीयत बिगड़ती रहती है बीच में है ना ऐसे दिमाग छोटा सा है मतलब दिमाग बड़ा है मतलब छोटा ही होता है दिमाग काम ज़्यादा करता है तो वो थोड़ा सा उसको आराम से होता है कभी कभी वो फिर और भी सेशन्स होते हैं तो ये सारे बहाने हैं आज के लिए लेट आने के क्योंकि कई लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता उनको बस बहाने समझ आते हैं जैसे मेरी तो मतलब यहाँ पे फाइन लगता हो मुझे तो लेट आने में मजाक कर रही हो खैर चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत बढ़िया एनर्जी अच्छी रखिएगा लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो ईवीएस खत्म है आज मतलब ऐसे खत्म बिल्कुल ठीक तो सेशन है ये पीडीएफ में जाएगी लेट्स लर्न स्कोर टेलीग्राम चैनल पर ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है और फाइव ई मॉडल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीच बीच में बाला करेंगे है वो वाला बाला नहीं शैतान का साला नहीं ये नॉर्मल बिल्डिंग हैज लर्निंग एड पता नहीं क्या खा के आई हूँ मैं है ना तो फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे सेशन छोटा होगा बट काम का होगा मारियो खेलेंगे है ना और अच्छे अच्छे काम करेंगे ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आ जाइए आप लोग खाना वाना खा के सोने का टाइम हो गया होगा कई लोगों का तो चलिए फिर एक बार देख लेती हूँ मैं हाँ मैम के वाले क्लास लेट्स लर्न पे भी आएगी क्या वो फिफ्टीन डेज़ की सीरीज़ है जिसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए गाइड कर पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर करियर विल के बैच तो ऑब्वियसली करियर विल पर ही चलता है चल रहे हैं बैच ऑलरेडी है ना चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया <coughs> वी ऑल आर बेस्ट बिल्कुल चलिए फिर ब्लर है कैसी बातें करते हो ब्लर नहीं है कुछ भी है? ये फाइव ई मॉडल है लेसन प्लानिंग में यूज किया जाता है ठीक फाइव ई मॉडल है इंस्ट्रक्शनल मॉडल कह सकते हैं पांच ई है इसमें पहला है एंगेज आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ के जो उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता हो उसको एंगेज कर सकते हैं वो मेंटली एंगेज होगा किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी एक जो भी आपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में उसकी जो सोच है वो जागृत हो जाएगी तो एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी फिर है एक्सप्लोर एक्सप्लोर अब आपने एंगेज कर दिया उसको 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 कुछ question पूछ के अब आप उसको explore करने का मौका देंगे और और मतलब वो उसके बारे में थोड़ा सा और free हो करके, उसको explore करेगा इसमें और क्या हो सकता है मतलब सर्च करेगा ये कह सकते हैं आसान शब्दों में फिर है एक्सप्लेन एक्सप्लेन अब आप उसको कुछ ऐसे फॉर्मल टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हैं जो चीजें उसने एक्सप्लोर की कुछ मेथड्स कुछ तरीके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या जो भी, आप उनको अब फॉर्मल वर्ड्स में उनको आप बता दें कि भैया इसको ना ये कहते हैं ये जो स्टेप है इसको ये कहते हैं फॉर्मली आप एक्सप्लेन करते हैं तो ये हुआ आपका फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप फिर है आपका फोर्थ इलेबोरेट मतलब अब आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं मतलब जो भी अब तक हुआ है उसको और अच्छे से टीचर क्लास में एक्सप्लेन करेगा फिर फिफ्थ है इवेल्युएट मतलब आकलन ठीक ये पांच ई बहुत इंपॉर्टेंट है इनके इनको जानने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट इनका नाम है सी के लेवल पे इतनी बार पूछा जाता है कई बार पूछ लेता है आपका एक आध नंबर में ये आजकल आने लगा है नया ट्रेंड है ये एंगेज एक्सप्लोर फिर उसके बाद क्या करेंगे आप एक्सप्लेन करेंगे एलैबरेट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे इसको अगर और थोड़ा सा समझें या पी में भी आपको पढ़ने का मन करे तो मैंने एक और इमेज डाली है फाइव ई मॉडल की फर्स्ट है एंगेज एंगेज मतलब फोकस इज स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द यूनिट जो भी यूनिट जो भी चैप्टर जो भी एक चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर आप अटेंशन लेकर के आते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों को एंगेज करते हैं ठीक फिर एक्सप्लोर करने का मौका देंगे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को कि वो जो आइडियाज उनके दिमाग में चल रहे हैं या जो भी उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं जो भी वो एक्टिविटी करके देखना चाह रहे हैं वो एक्सप्लोर कर पाए फिर है थर्ड एक्सप्लेन अब आप उन्होंने जो भी एक्सप्लोर किया अपने तरीके से उसको आप फॉर्मल टर्म्स उसके क्या हो सकते हैं एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स और सिंबल्स मॉडल्स इन सब से आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं फिर आता है फोर्थ स्टेज इलेबोरेट अब क्या करेंगे जो आइडियाज हैं जो भी ये एक्सप्लेन करके जितना भी समझ में आया उसको नए कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जा सकता है फिर है इवेल्युएट मतलब आकलन करेंगे हाइएस्ट हो गया एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू असेस देयर लर्निंग प्रोग्रेस मतलब आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो आकलन कर सकें खुद की लर्निंग प्रो, प्रोग्रेस का ये जो पांच स्टेप में उन्होंने अब तक सीखा जो भी एक्सप्लोर किया जो भी चीजें सीखी फॉर्मल टर्म्स सीखे इनफॉर्मल तरीके सीखे उनको वो जांच पाए या आप उनकी मदद कर पाए इस चीज में ठीक है बात क्लियर हो गई जी बात बहुत बढ़िया संदीप इस पर एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक आई थिंक एक मैथ्स में आया है, एक ईवीएस में वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया तो वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब मैं सॉल्व कराऊंगी जून में तब डिस्कशन में कर लेंगे अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से ऐसे अलग से कॉन्सेप्ट है ये सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको बट पूछ लिया जाता है एक वीडियो मैप का और रहता है वो किसी और दिन कराऊंगी क्वेश्चन है चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस ऑफ टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लेनेशन

ग्रेट सी ऑप्शन ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड बिल्कुल बात सही है एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है वो चाइल्ड सेंटर्ड है एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे अभी जो हमने एक्सप्लोरेशन की बात की थी फाइव ई मॉडल में उसी की बात यहाँ हो रही है और जो फाइव ई मॉडल है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है मतलब रचनावाद पर कि बच्चा करके सीख पाए एक्टिविटी हो पाए लर्निंग बाय डूइंग हो पाए टीचर क्या है फैसिलिटेटर है बच्चों को एक्सप्लोर करने का आप पूरा मौका देते हैं तो ये भी बात यहाँ जानने वाली है कि बच्चों को आप कंस्ट्रक्ट करने का मौका देते हैं कुछ और जिसकी वजह से वो सीख पाता है ये मैं आजकल कम्युनिटी में डेली शेयर करना भूल जाती हूँ और कई लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता एक मिनट का समय दो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल बाला ठीक है तो ये अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है वो जो गाना चल रहा था अभी फेमस ठीक है तो बाला की फुल फॉर्म बतानी है चार ऑप्शन आपके सामने हैं आंसर कर दीजिए फटाफट से हमारा पूरा सिस्टम अब चाइल्ड सेंटर्ड बन चुका है या बनने की तरफ है अब कुछ जो चेंजेस हैं वो हमें अपने एंड पर लाने हैं सिलेबस तो चेंज हो ही चुका है बहुत बढ़िया जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं उनका ठीक है ये सी वाले कौन है भाई सी कह रहा है ब्रेल एडिड लर्निंग असेसमेंट ऐसा कुछ नहीं होता ब्रेल एडिड की बात यहाँ नहीं चल रही है बात चल रही है बिल्डिंग एज लर्निंग एड की मतलब बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके यानी कि आप देखते हैं आज की डेट में आपको आपकी जो बिल्डिंग है इतने सारे चार्ट्स बने मतलब एक बिल्कुल प्रिंटेड वो बने हुए हैं पेंट की हुई है वॉल्स जिसपे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है कहीं पर कुछ प्लैनेट्स का ही बनाया हुआ है कहीं पर कुछ और बनाया हुआ है कोई साइंस का कोई टूल बनाया हुआ है मतलब बिल्डिंग जो है उसके थ्रू भी बच्चे सीख रहे हैं जब वो घूमते फिरते खेलते कूदते भी वो चीजें देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला बाला स्टैंड फॉर बिल्डिंग एज लर्निंग एड बी ऑप्शन आरटी में इसकी बात हुई थी आरटी 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि हर एक बच्चा सीख सके अपने इंटरेस्ट अपनी एबिलिटी के अनुसार अगर हम बात करें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किए हुए हैं हमने अगर हम बात करें दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में जो सीढ़ियां हैं उनको हटा करके हमने स्लोप बना दिया रैंप बना दिया ताकि जो बच्चा चल के जा सकता है वो भी जा सके जिसको बैसाखी की जरूरत है वो भी जा सके उस रैम्प पर और एक व्हील लेकर के भी जाया जा सके मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए हैं वजह से लर्निंग बेहतर हो सके बिल्डिंग अपने आप में एक एड का काम का का करे एक हेल्प का काम का करे एक बेहतर सप्लीमेंट का काम का का करे लर्निंग को बढ़ावा देने में ठीक है तो इसलिए जो आंसर है वो बी हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसके एग्जाम्पल जैसे बच्चे क्या है खड़े हुए हैं ये जो फर्श है ये इस फ्लोर पर सांप सीढ़ी बनी हुई है नंबर्स का पूरा एक गेम बना हुआ है यहाँ सामने एक क्या है वॉल है उस वॉल पर इंडिया का मैप है आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली अब नॉर्मल स्कूल्स में भी दिख जाएंगे कि आपको ये सारी चीजें पेंटेड मिल रही हैं इसका रीजन क्या है जो बिल्डिंग है वो भी लर्निंग एड के रूप में काम आ रही है आपके टीचिंग लर्निंग की तरह काम में आ पा रही है ठीक यहां जो है वो प्लेनेट का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां मिसाइल बनी हुई है जीएसएल और ये सारी क्या है ये बिल्डिंग काम कर रही है लर्निंग एड का सप्लीमेंट कर रही है आपकी लर्निंग को यहां से तो कोई भी बफरिंग है नहीं तो हम नहीं मानेंगे बफरिंग की बात क्लियर हो गई बात ठीक है यार लड़ते क्यों रहते हो आपस में इतने छोटे बच्चे हो चलो आगे देखते हैं आ रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉड टू क्लासरूम हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल यू कैन यूज टाइम टेबल टू डिवाइज मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू टीच जोग्रफी मैथमटिक्स एटसेट्रा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर कहीं नहीं गया आपका मिनिमम एक नंबर अगर आप इसको सही तरीके से समझ पाते हैं ठीक है थीके? अगर मैं बात करूं रेलवे टाइम टेबल वो रेल का जो टाइम टेबल नहीं होता आपका ट्रेन का जो होता है रेलवे टाइम टेबल उसमें जो आपका टाइमिंग है डिस्टेंस है वो दिया हुआ होगा ट्रेन किस टाइम जाएगी डिपार्चर का टाइम है अराइवल का टाइम है या इसके अलावा अगर मैं बात करूं कितने दूर का डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो टाइम जो है वो भी 24 फोर आवर्स फॉर्मेट में दिया होगा मतलब अगर एक बजे एक बज के दस मिनट की ट्रेन है तो तेरह दस लिखे होंगे तो आप बच्चों को क्या कर रहे हैं यहाँ मैथ्स से भी अवगत करा रहे हैं आप इस टाइम टेबल के थ्रू मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से भी उसको क्या कर सकते हैं फेमुलराइज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आप एक चीज से दूसरे मतलब कई सब्जेक्ट्स को जोड़ दें मैथ्स कैसे सीखेगा डिस्टेंस देख सकता है वो कि कितनी दूरी है तो वो घटा के देखेगा कितनी देर में पहुंचेंगे मान लो नौ बज के दस मिनट पर ट्रेन चलेगी अगर और सुबह पहुंचेंगे आठ बज के नौ मिनट पर तो कितनी देर लगेगी अब इसमें अगर जब वो जोड़ घटा घोड़ा भाग करेगा तो उसका मैथ्स भी बेहतर होगा ज्योग्राफी कैसे बेहतर होगी मान लीजिए एक तरफ लिखा है अलाहाबाद से ट्रेन ट्रेन चल रही है और मुंबई जा रही है अब वो मैप में भी तो सोच सकता है ना अपने आप में इमेजिन कर सकता है कि कैसे अलाहाबाद कहां है मुंबई कहां है डिस्टेंस कितना है कौन किस एक डायरेक्शन में है दोनों तो कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं एक साथ ज्योग्राफी भी सीख रहा है मैथ्स भी सीखेगा एनवायरमेंट से भी परिचित होगा और लैंग्वेज पे भी पकड़ाएगी क्योंकि वो पढ़ना सीख पाएगा टाइम टेबल को डिकोड करना सीख पाएगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियोस देख लो सीडीपी के मानव जो पुराने वाले हैं नए का वेट मैं रिवीजन कराऊंगी नए प्रॉपर पांच चैप्टर करा चुके हैं बाकी रिवीजन में लूंगी तो कोई नुकसान नहीं है अगर देख लोगे फ्री टाइम में तो और नहीं भी देखोगे तब भी उतना मैं करा दूंगी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये हुआ टाइम टेबल रेलवे का टाइम टेबल आपने देखा होगा लगा होगा वहां लगा हुआ, हुआ प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर ठीक तो गांधीधाम ये एनसीआरटी में दिया हुआ है गांधीधाम गुजरात में है यहां से अराइवल का टाइम अभी दिया नहीं है डिपार्चर है पांच बज के पंद्रह मिनट का डिस्टेंस जीरो मतलब यहीं से चलने वाली है ट्रेन क्योंकि और डे वन की कहानी है फिर अहमदाबाद पहुंचेगी साढ़े ग्यारह बजे है ना फिर डिपार्चर होगा ग्यारह पचास पर तीन सौ एक किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया दि, दिन, दिन कितने लगे एक इसी तरीके से तीन दिन लग गए कहां से कहां तक जाने में गांधीधाम से ये नागर कॉयज पहुंचने में तो ये टाइम टेबल है जो आपका गिवन है आपकी बुक में क्लियर हो गई बात मिल जाएंगे राजेश जी ऐप आ जाने दो तो एक ही जगह पर दे देंगे सी के नोट्स भी फिर है ये नेक्स्ट चीज थ्रू गेम्स आर टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइफ्स द वे डू क्या पढ़ रही हूं मैं थ्रू गेम्स आर टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आर लाइफ्स द वे वी डू फॉर गेम्स सो दैट थिंग्स कैन बी डन इन अ प्रॉपर मैनर मतलब कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो देखो बात हो रही है गेम्स के थ्रू भाई खेल के द्वारा एक जो टीचर है वो बच्चों की अटेंशन को जो उनका अवधान है उसको कहां खींच करके लेकर के आ सकता है कुछ पॉइंट्स पर कुछ मुद्दों पर कि भाई हम गेम्स में जैसे रूल्स बनाते हैं ना हमारे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं आप रूल्स नहीं तोड़ते है ना आप हालांकि चीटिंग कर लेते हैं कई बार बट रूल्स नहीं तोड़ते लूडो की बात नहीं हो रही है ठीक तो रूल्स नहीं तोड़ते ऐसे छह पे गोटी खुलेगी तो छे पे ही खुलेगी आपकी ठीक तो वे वी डू फॉर गेम्स अब हम समझा सकते हैं बच्चों को कि, कि जैसे हम गेम्स में रूल्स बनाते हैं वैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ रूल्स होने चाहिए उसका रीजन क्या है ताकि चीजें जो हैं वो प्रॉपर मैनर में चल सके ऐसे ब्रेकअप हो गया तो दुनिया नहीं छोड़ के चले जाएंगे काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में चीजें क्या है कंसिस्टेंट होती हैं कुछ और वो होनी चाहिए स्टेबल होनी चाहिए है ना रूल्स होने चाहिए है ना ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं दुनिया भर की चीजें हैं झूठ नहीं बोलेंगे या जो भी है इतने सारे वैल्यूज हैं नॉर्म्स हैं आपने क्या क्या बनाया हुआ है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है अपने लिए ठीक तो अगर मैं बात करूं यहां तो गेम्स में रूल्स होते थे गेम ऑफ लाइफ चल रहा है मारियो बचपन में खेला हुआ कुछ लोगों ने ठीक तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी रूल्स होने चाहिए आप बच्चों को इस चीज के प्रति जागरूक कर सकते हैं अटेंशन ला रहे हैं लाइफ स्किल सिखा रहे हैं आप बच्चे को एक क्लियर हो गई बात बहुत बढ़िया आगे बढ़े हाँ चल जाएगी मोहित केवेस में बट कोई और बुक भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी या नोट्स बना लेना मैं जो, जो कर रहा उसके फिर है डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ये बार 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 एनसीईआरटी में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो ये भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो कास्ट क्रीड क्लास जेंडर जिस भी बेसिस पे हो वो नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या होने चाहिए डिस्कशन होने चाहिए कि जो गेम्स हैं गेम्स में डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड क्लास के महिलाओं के लिए अलग रूल्स या उनको मौके नहीं मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको मौके नहीं मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसको अछूत मान रहे हैं लोग अनटचेबिलिटी पर भी आप डिस्कशन करा सकते हैं ठीक है बच्चों को एक साथ खाना खाने के लिए भी कभी कभी आप आ, उत, उत्साहित कर सकते हैं कह सकते हैं क्या कहें एनकरेज कर सकते हैं कि वो साथ में बैठ करके खाएं ठीक एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें ये सारी चीजें नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली आप क्या करेंगे बहुत बढ़िया सीडीपी के वीडियोस देख लो नोट्स अपने हाथों से बनाना उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता चलो चलो कोई बात नहीं है क्या खेल खेलते रहते हो कमेंट्स में एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लार्स क्लोजली आप बच्चों को कहेंगे कि जब तुम कहीं भी जाते हो या तुम जब देखते हो चीजें तो फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो मतलब पास से देखो उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो अवलोकन करो उनका कि पेटल्स का उनका क्या टाइप रहता है यहां पे आप देखते होंगे कभी आपने ध्यान से देखा होगा क्या मतलब शेप कैसी है कैसे एक, एक फ्लार दूसरे फ्लार से अलग है एक फूल से दूसरा फूल कुछ फ्लार जो है वो सिंगल सिंगल होते हैं कुछ जो है वो बंचेज में होते हैं इकट्ठे होते हैं है ना ये तो हमने बना दिया है ठीक है बुके बना दिया है द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रुप फ्लॉर्स बच्चों को ग्रुप करना मतलब क्लासिफाई कर पाएंगे वो वर्गीकरण सीख पाएंगे ग्रुप में डाल पाएंगे बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कैरेक्टरस्टिक्स कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिनको बच्चा तुरंत देख करके पहचान सकता है जैसे नंबर ऑफ पेटल्स जो ये पेटल्स हैं कितने हैं नंबर कितने हैं किसी में कम है किसी में ज्यादा है ठीक कलर क्या है भाई येलो कलर का एक साइड रख देगा रेड कलर का एक साइड रख देगा वेदर इन बंचेज और नॉट गुच्छे में है या अलग अलग हैं। तो ये सब क्या हुआ क्लासिफिकेशन की स्किल सिखा रहे हैं आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन बेहतर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ेंगे पर। क्या है? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो है विच वन इस रूट्स। भाई जड़ों का ग्रुप क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया जरूरी नहीं आपको भाषा हमेशा सेम मिले थोड़ा सा चेंज करेगा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करेगा नेचर में आसपास का कुछ पूछ लेगा क्वेश्चन में क्या पूछा हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ग्रुपिंग पढ़ रहे थे आप बच्चों को फ्लावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे थे और इसी तरीके से आप बच्चों को प्लांट्स को ऑब्जर्व करने को भी कह सकते हैं वहीं से एक क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक ग्रुप सही है इनमें से रूट्स का ग्रुप है जड़ों का समूह है जड़ों का समूह ऑप्शन देखिए बीट रूट पोटैटो जिंजर कैरेट, टर्मरिक जिंजर स्वीट पटेटो रेडिश टर्मरिक या फिर कैरेट बीटरूट और रेडिश बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन बना दिया देखने में आसान है बिल्कुल डी ऑप्शन सही है आपका क्यों क्योंकि जो कैरेट है गाजर आपकी बीटरूट जो चुकंदर है और जो मूली है तीनों जड़ों के प्रकार है बाकी में कुछ कुछ लोचा है ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट एक पॉइंट है आ विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज टू अंस्ट्रक्शन साइट नियर बाय विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज टू कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाय सो चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट पीपल वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन साइट है आप देखते हैं कोई बिल्डिंग बन रही है कुछ काम चल रहा है कहीं पर तो आप बच्चों को विजिट पे ले जा सकते हैं फील्ड विजिट कह देते हैं इसको और ईवीएस में अच्छा रोल है फील्ड विजिट का अगर मैं बात करूं तो आप बच्चों को मौका देंगे वहां जो वर्कर्स है मान लीजिए ये लोग ही है जो वर्कर्स हैं जो भी वहां काम करते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का उनसे वो क्या करेंगे एक इंटरेक्शन हो एक अंत क्रिया हो बात करें उनकी लाइफ के बारे में जाने वो कैसे काम करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या कैसे कैसे ईट भी बन रही है मान लीजिए किसी भट्टे पर भी लेकर के गए तो वहां बात कर रहे हैं देख रहे हैं कि कैसे होती हैं चीजें ठीक तो इससे बच्चे को अपनी सराउंडिंग के प्रति वो ज्यादा जागरूक फील करेगा सेंसिटिव बनेगा लोगों को लोगों की तरह देखेगा जब जेब में चार पैसे आ जाएंगे तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा कि ये तो मजदूर है ठीक दूसरा क्या है पीपल फ्रॉम सच प्लेसेज ऑल्सो भी इन्वाइटेड टू द क्लासरूम टू डिस्कस अबाउट देयर वर्क एंड टूल्स वो कैसे काम करते हैं कैसे बनाते हैं चीजें है ना मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन में कोई वही है जो दीवार बनाते हैं प्रॉपर तो उसको आप लेकर के आ रहे हैं क्लासरूम में उनको वो वहां डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम होता है कम्युनिटी रिसोर्स हो गया अगेन तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का हम बहुत यूज करते हैं क्लियर हो गई बात यहां तक की बात क्लियर होगी होपफुली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन टू ईट टुगेदर वही हमने अभी डिस्कस किया था आप बच्चों को एक साथ खाने के मौके दे सकते हैं ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जहां बच्चे ग्रुप्स में बैठ के खाना खा रहे हो लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट द सोल्यूश ऑफ इशूज सच एज ड्रिंकिंग फाइट्स इन द फैमिलीज वही बात जो हमने कल डिस्कस की थी एल्कोहल पर जो लड़ाइयां होती हैं फैमिलीज में उस पर डिस्कशन उनके इशूज का क्या सोल्यूशन हो सकता है बच्चे क्लासरूम में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ठीक चार्ट एंड पोस्टर्स कैन बी द सपोर्ट ऑफ टीचर्स इसके खिलाफ जो एल्कोलिज्म है लड़ाइयां हैं या डिस्क्रिमिनेशन है या इनटॉलरेंस है या अनटचेबिलिटी है, है, है इनके प्रति पोस्टर्स आप चार्टवा सकते हैं, चार्ट हैं क्लास रूम में कोई एक रैली निकाल सकते हैं इस तरीके का कुछ कुछ काम आप कर सकते हैं क्वेश्चन इतने कराए जाएंगे शिवानी अभी तो डिस्कशन है टेबल्स कैन बी यूज टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सोल्यूबल और इनसॉल्यूबल बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल्स नहीं होती हम टेबल बनाते हैं भाई इस साइड हम रखेंगे सोल्यूबल चीजों को और इस साइड हम रखेंगे इनसॉल्यूबल चीजों को मतलब जो घुलन घुलनशील और अघुलनशील ठीक तो इस केस में टेबल बनाई जा सकती है कैटेगरी वर्गीकरण के लिए सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल चीजों को भाई पानी में क्या घुलनशील है तो नमक को एक साइड लिख दिया पत्थर को एक साइड डाल दिया ठीक तो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल क्या होगा इससे लिस्ट बनाने का बच्चों को ये एक्टिविटी करने का मौका खुद भी दे सकते हैं चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू लर्न द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय देयर फ्रेंड्स बच्चों को आप एनकरेज करें कि वो वो भाषाएं भी सीख लें जो उनके दोस्त बोलते हैं अब बच्चे को बचपन में ये नहीं रहता अरे बड़ा मुश्किल है ये है वो है उसको मजा आता है कुछ भी करने में तो वो हो सकता है चार भाषाएं भी सीख ले या बहुत सारे शब्द सीख ले पूरी भाषा ना सीखे तो ठीक उससे क्या होगा ज्यादा भाषाएं जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानते हैं उतना आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है दिस वुड हेल्प यानी कॉग्नेटिव लेवल दिस वुड हेल्प देम अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर लैंग्वेजेस अगर नहीं भी सीखे भाषा तो एक दो शब्द दो चार शब्द कुछ तो सीखेंगे उससे होगा क्या सेंसिटिव बनेंगे दूसरी भाषाओं की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे ठीक है तो ये एक बेसिक सी बात हुई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कहानी चल रही है घुमा फिरा करके हर एक पॉइंट में एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक टू देयर एल्डर्स एंड नेबर्स अबाउट ओल्ड टाइम्स आप क्या कर सकते हैं बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि जो उनके पड़ोसी हैं या उनके जो बड़े लोग हैं उनसे पहली जनरेशन के उनसे डिस्कशन की जाए कि पहले क्या होता था जब आपके टाइम पे चीजें कैसी थी है ना अभी जैसे आपके आपके बच्चे आपसे पूछेंगे आपके एज ग्रैंड पेरेंट्स पूछेंगे कि कोरोना कब आया था तो आप पूरी कहानियां सुनाओगे कि ऐसा हुआ था ये हुआ था वो हुआ था है ना तो पुराने समय के बारे में बच्चों को एनकरेज किया जाए कि पूछना अपने दादी दादा से जाके अपने नानी नाना से जाके अपने मम्मी पापा से जाके कि उनके टाइम पे चीजें कैसे होती थी ठीक है क्या हुआ संगीता दिस वुड हेल्प दैम डेवेल्प देअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री की एक अंडरस्टैंडिंग एक टाइमलाइन बनेगी उनके दिमाग में जैसे मेरी नानी बहुत कहानियां सुनाती थी हमें बचपन में अभी तक भी अगर उनके साथ बैठ जाओ तो कि अंग्रेज आते थे और ये होता था वो होता था और पूरा उन्होंने पूरा कहानी सुनाई है तो वो सब क्या है और नाना जी भी के गांधी जी के टाइम पे ये वो फलाना झमकाना तो इस तरीके की क्या चीजें वो उनके समय की बातें हैं तो हिस्ट्री से आप जुड़ पाएंगे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनेगा एक इंटरेस्ट आगेगा एक क्यूरियोसिटी आएगी रियल लगेंगी चीजें ठीक है वो पचास पैसे और एक रुपए और वो जो दस पैसे जो सिक्के थे पुराने टाइम पे उनको आप देख सकते हैं अगर आपके घर में कहीं पर पड़ पड़े हुए मतलब बच्चों को आप जोड़ सकते हैं हिस्ट्री से टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सच एज मैप्स पिक्चर्स थिंग्स बुक्स रिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स एंड लेजर्स देखो अगर मैं बात करूं यहां पर अभी बताऊंगी अंशु अगर मैं बात करूं तो आप बच्चों से बात कर सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर कि हिस्ट्री को इतिहास के बारे में हमें पता कैसे लगता है कि तब ये हुआ होगा भाई आजकल तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है मैप्स के थ्रू हमें पता लगता है जो मानचित्र होते हैं पिक्चर्स कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं कुछ हमने खोदी हुई खोद करके निकाली हुई चीजें होती हैं एक्सकेवेटेड थिंग्स फिर है बुक्स रिकॉर्ड्स और जो बही खाते नहीं होते लेजर्स जो होते हैं इन सबको ठीक है बात फलाना होता है एटसेट्रा है ना अंग्रेजों को ये नहीं समझ में आता कि फलाना निमकाना का मतलब है एटसेट्रा ठीक है तो क्लियर हो गई बात भावनाओं पे जाया करो यार क्या हमेशा शब्दों पे चले जाते हो समझो यहां क्वेश्चन देखते हैं एक बार विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ कहानी वही है आपकी बुक जो है वो एनसीएफ के हिसाब से ही बनी हुई है कंस्ट्रक्टिविज्म पर बनी हुई है जो चीजें आपकी बुक में है वही आप तुरंत जोड़ सकते हैं जरूरी नहीं आपने हर एक लाइन पढ़ी हो एनसीएफ की और पढ़ोगे तब भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बुक्स के थ्रू या कॉन्टेक्स्ट में समझ आएंगी ठीक है बात बिल्कुल नहीं बुक हिंदी में नहीं आई है मेरी तो अभी तो बात हो रही है कि वन ऑफ द द द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन सा एक नहीं होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का टू नर्चर क्यूरियोसिटी भाई क्यूरियोसिटी को तो नर्चर करना होता है बच्चों को क्यूरियस बनाना है आपको उसकी जो जिज्ञासा है उसको और बढ़ावा देना है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बिल्कुल सही बात है आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने देते हैं लर्निंग बाय डूइंग करने देंगे टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट बिल्कुल हम साइंस सोशल साइंस और ईवीएस की बात इंटीग्रेट करके एक ही साथ करते हैं कल हमने डिस्कस किया था तो अब भी फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत है क्या नहीं है बट फिर भी कर लेंगे ठीक टू डिवेलप प्रसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमॉन्ग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशूस मतलब कि बच्चों की प्रसाइज अंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर के बने कि मात्रात्मक सटीकता मतलब डेटा इकट्ठा करना नंबर्स में वो सोच सकें बात यहां ये नहीं हो रही बात है कि बच्चा एनवायरमेंट से जुड़ पाए क्यूरियस बने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करे बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है तो हमारे सिर्फ प्रसाइजली वो क्वांटिटी नोट करता जाए या उसके दिमाग में सिर्फ नंबर चल रहे हो एनवायरमेंट की जगह पर तो ये हमारा मेन मकसद नहीं है कि बच्चे की क्वांटिटेटिव स्किल्स को बेहतर करा दो बाकी एनवायरमेंटल इश्यूज की जगह कि इतने परसेंट ये है ये है ये है बात वो नहीं होनी चाहिए यहां एनवायरमेंट में बाकी की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी पेडागोजिकल इश्यूज पर स्पेशली ठीक है बाद में आप देख सकते हैं इतने परसेंट पौ। ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये हो रहा है तो ये सारी चीजें आप तब करा सकते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर पीडीएफ तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिलेट द यूज ऑफ द टर्म परसेंटेज भाई उन्होंने मैथ्स में पढ़ा होगा लेकिन हम इंटीग्रेटेड लर्निंग भी तो करते हैं ना एक सब्जेक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट दूसरे सब्जेक्ट में भी हम जोड़ करके सिखा देते हैं ठीक तो आप बच्चे को एनकरेज करेंगे प्रोत्साहित करेंगे कि वो यूज करें परसेंटेज का परसेंटेज जानते ही हैं सारी दुनिया परसेंटेज पे चल रही है मुझे लग रहा है तो परसेंटेज टर्म का वो यूज करें अपनी जिंदगी में जहां पॉसिबल हो सके सच एज चांसेस ऑफ विनिंग अ गेम एक गेम को जीतने के क्या चांसेस हो सकते हैं कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं है ना मार्क्स इन अ सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं अगर बच्चे के मान लीजिए सेवेंटी आए हैं आउट ऑफ हंड्रेड तो आप उसको कह सकते हैं अच्छा आपने फॉर्मुला तो सीखा होगा मैथ्स में नहीं सीखा तो आप उनको निकाल करके बता सकते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो परसेंटेज में फिर वो कन्वर्ट करने लगेगा ना नॉर्मल अपने दिमाग में भी वो चीजें देखेगा तो वो कन्वर्ट करने लगेगा फिर एक टाइम पे डिस्काउंट सेल्स मान लो कहीं पे सेल चल रही है ऐसे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट है ना तो आप पूछ सकते हो कि फिफ्टी परसेंट कितना होगा थर्टी फाइव हंड्रेड का है ना तो वो कैलकुलेट करके समझ पाएंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ है तो वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ करके कितने में पड़ेगा तो ये सब चीजें क्या कर सकते हैं आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं डेली लाइफ में यूज करने के लिए और जब वो डेली लाइफ में यूज करेंगे उन्हें भारी नहीं लगेगा मैथ से डर नहीं लगेगा इंटरेस्ट बनने लगेगा ठीक तो ये एक बेसिक सी बात हुई क्लियर बहुत बढ़िया कोमल बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे नहीं लेट हो जाता है तो बहुत सारे लोग हैं उनको सोना होता है भाई बच्चे हैं और स्कूल स्कूल तो आजकल नहीं जाते खैर नेक्स्ट है न्यूज आइटम्स ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी वही छुआ छूत कहेंगे इसको अनटचेबिलिटी के ऊपर आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़वा सकते हो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें बच्चों को उनके अनुभव शेयर करने के जैसे कि कैसे डिस्कशंस डिस्कशंस के के कैन बी हेल्ड ऑन द सच एज सिमिलर गेम्स गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स जो games है, जो हैं आपके खेल हैं वो सेम होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि लड़के कहें कि नहीं क्रिकेट तो सिर्फ लड़कों का ही गेम है और लड़कियां कहें कि नहीं खो खो तो हम ही खेलेंगे वो नहीं होना चाहिए तो जेंडर इक्वेलिटी की आप बात करेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट है आज के लिए और फोटो देख करके आप बताएंगे कॉमेंट करके कौन है रिस्पेक्टेड मैम एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशन अबाउट फॉरेस्ट जंगलों के बारे में वो क्या सोचते हैं उनकी क्या इमेजिनेशन है उन्होंने किसी मूवी में देखा तो उसके बारे में वो बता पाए फिर है आर टीचर शुड बी सेंसिटिव वाइल लिसनिंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन एक जो टीचर है वो सेंसिटिव होना चाहिए उसको मतलब मान लीजिए किसी के घर में एल्कोहलिज्म की बात चल रही है अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो लिकर का यूज है उस पर लड़ाइयां जो होती हैं घर में उसका डिस्कशन चल रहा हो क्लास में एक बच्चा हंसी उड़ा रहा है अपने दोस्त की अरे इसके घर में तो उसके पापा ऐसे ही करते हैं अब टीचर का सेंसिटिव होना जरूरी है टीचर का सेंसिटिव होना जरूरी है पता चले टीचर भी उसी बात में मजाक उड़ाने में लगा हुआ है है ना तो उससे क्या होगा बच्चे की क्यूरियोसिटी भी दबेगी उसका सेल्फ एस्टीम भी डाउन होगा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन होगा वो अगली बार खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो टीचर का संवेदनशील होना जरूरी है कि आप जब कोई कुछ बोल रहा हो तो सुन पाए एटलीस्ट उसको जरूरी नहीं है अपना जजमेंट बीच में घुसा दें ठीक फिर है एन अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज आर ऑलवेज ऑन मूव डिस्कशन कैन बी हेल्ड हमने समझा था याद हो आपको तो जब हम लद्दाख की बात कर रहे थे कौन सी एक जनजाति थी जो हमेशा ऑन मूव रहती थी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई एक जगह घर नहीं रहता वो ऑन द मूव रहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाए कि ऐसे बच्चे भी पढ़ पाए इसके लिए आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है टीचर के सेंसिटिव होने से ये पिक्चर मैंने लगाई हुई है और ये पहली क्या कहें आप लोग आंसर करके बताएंगे ठीक है क्लियर हो गई बात एक मिनट रुको चंगपा थी चंगपा चंगपा बिल्कुल रिंकू सही आंसर आपका जितने भी लोग चंगपा दे रहे हैं क्लियर है बात अरे यार मुझे लगा कई लोग तो ये देखने आते हैं स्वपनिल आपको ब्लॉक करूंगी मैं <laughs> हैं यहाँ, यहां फैशन कंपटीशन चल रहा है यहां यहाँ इस चीज की वैल्यू की हमेशा इसी चीज की वैल्यू कीजिए है ना चलिए ध्यान रखिए इतना ही काम करेंगे ईवीएस खत्म है और मैप पर एक वीडियो बनेगा वो मैं बाद में बनाऊंगी एग्जाम टाइम पे बना दूंगी या थोड़े दिन पहले बना दूंगी कोशिश करते हैं कल क्या डिस्कस करें सीडीपी की कुछ थियोरीज कर लें देखते हैं चलो इंग्लिश का भी कुछ कोई चैप्टर कर सकते हैं इट डिपेंड्स कल का कल पे छोड़ते हैं देखेंगे क्या करना है कल ध्यान रखिए सावित्री बाई फूल एग्जैक्टली बहुत बढ़िया बुक हिंदी में नहीं आई है अभी बुक हिंदी में आएगी भी नहीं अभी कुछ टाइम तक जैसे हालात हैं लॉकडाउन के टाइम लगेगा चीज़ों में तो वेट एंड वॉच क्या होता है इसका जो पी है ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वेड आप सर्च करेंगे वन लैक लोग हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं आज के लिए इतनी ही कहानी धन्यवाद आप सभी का इतनी लेट तक आपने इंतजार किया और आप जुड़े रहे कल मिलते हैं कोशिश करूंगी टाइम पे ही मिलें कल तो नौ बजे ही मिल जाएंगे है ना चलिए फिर सीडीपी करा दूंगी यार क्यों टेंशन लेते हो सीडीपी कल करा दूंगी करा दूंगी फर्स्ट फीमेल टीचर एग्जैक्टली शेखर बहुत बढ़िया सही है सही है बाय बाय गुड नाइट धन्यवाद धन्यवाद पीडीएफ में आंसर टिक नहीं किए जाएंगे पीडीएफ में अगर आंसर टिक कर दिए गए तो आप क्या करेंगे यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं उनके आंसर उसको मॉक टेस्ट की तरह लीजिए ठीक है थीके? चलिए ध्यान रखिए टेक केयर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक ना किया हो भूल जाती हूँ मैं आजकल